बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत सारे नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाते, पैसे या पावर के दम पर उनकी मार्कशीट बदल दी जाती है। तो देखो यार, आज ही ना हॉटस्टार के ऊपर एक नई इंडियन कार्टून ड्रामा को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है पटना शुक्ला, जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है रजनी टंडन, साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं सतीश कौशिक। और किस तरीके की मूवी है, क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है नहीं करती है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए रिव्यू एपिसोड में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, बात करते हैं इस मूवी की जो स्टोरी है, फॉलो करती है तन्वी शुक्ला को, जो कि बिहार की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लॉयर है। और जिस तरीके से लोअर कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं, कोई भी उनके काम को इतना सीरियसली नहीं लेता, फिर चाहे वो सोसाइटी हो या फिर उनके खुद के फैमिली मेंबर्स हो। अब किस तरीके से उनके पास एक लड़की आती है जो इस बात का दावा करती है वो बीएससी थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, और कैसे उसके मार्क्स जो हैं जो आने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं, और वो अपने पेपर्स को दोबारा खुलवाना चाहती है। अब किस तरीके से छोटा सा केस जो दिख रहा है वो कैसे एक रैकेट की तरफ इशारा करता है, और किस तरीके से पास्ट के इंसिडेंट्स जो है वो यहाँ जुड़ते हैं, और किस तरीके से जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, कैसे वो ओनार छात्रों के जो नंबर है उनकी जो हेरा फेरी करते हैं उसके ऊपर जो फोकस करती है। अब क्या वो उस लड़की को न्याय दिलवा पाएगी कि नहीं, यही इस पूरी मूवी की स्टोरी है, जिसके लिए आपको इस मूवी को अपना 2 घंटे और 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा। और अगर मेरे को आपके सामने इस मूवी का रिव्यू एक लाइन में करना हो तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरे को जो मूवी है वो बढ़िया लगी, इन टर्म्स ऑफ जिस तरीके से कोर्टरूम ड्रामा चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे जिस मैसेज को देने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है काफी अच्छे तरीके से उसको कन्वे किया गया है। एक एक करके जल्दी से बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला पॉजिटिव पार्ट होगा सारे के सारे एक्टर्स का काम, चाहे आप बात करो जिस तरीके से यहाँ पे आपको रीना टंडन देखने को मिली है एज तन्वी शुक्ला, या आप बात करो जिस तरीके से आपको मानव गिस देखने को मिले हैं, और भी जितने भी एक्टर्स है, चाहे वो रिंकी का कैरेक्टर हो, सब लोगों ने अपने काम को डिसेंट तरीके से प्ले किया है। और यहाँ पे मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा सतीश कौशिक सर को, जिस तरीके से उनका काम हमेशा बहुत जबरदस्त रहता था, यहाँ भी आपको बहुत कमाल की एक्टिंग करते हुए दिखे। और स्पेशली जिस तरीके से सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर टिप्पणी की गई है कि कैसे सारे के सारे जो बिका हुए हैं, मीडिया हो गया, चाहे आप बात करो जिस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर जो नंबर्स की जो धांधली चल रही है, जिस तरीके से उन बातों को रखा गया है, डेफिनेटली मेरे को बेजार लगा। इसके साथ में बात करें जिस तरीके से यहाँ पे तन्वी शुक्ला का जो कैरेक्टर है उसको डेवलप किया गया, चाहे वो उसकी पर्सनल साइड हो या फिर उसकी प्रोफेशनल साइड हो, जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, मैं डेफिनेटली इतना बोल सकता हूँ कि आप उस कैरेक्टर के लिए इमोशन फील कर पाते। अब बात करते हैं देखो इस मूवी के नेगेटिव पार्ट की। इस मूवी का पहला नेगेटिव पार्ट होगा इस मूवी का क्लाइमैक्स, मतलब जो एंड में आता है और उस तरीके से जजमेंट जो है वो चेंज होता है, मुझे वो इतना जो है रियलिस्टिक नहीं लगा। मतलब मूवी जो है एंड के 15-20 मिनट को छोड़ के उससे पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमैक्स रखा गया है मेरे को पर्सनली इतना पसंद नहीं आया, मतलब मुझे लॉजिकल नहीं लगा। तो इन द एंड देखो, मैं आप लोगों से बस इतना बोलूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा ड्रामा देखना है, आपको जो इन्होंने मैसेज देने की कोशिश की अगर आप उसको समझना चाहते हो, तो डेफिनेटली जो वो आपका टाइम डिजर्व करती है। और मेरे को जो पर्सनली मूवी है वो अच्छी लगी और मैं इसको रेट करूँगा 3.5 out of 5 star। तो ये थे मेरे थॉट्स और मेरा रिव्यू अबाउट द मूवी पटना शुक्ला। अगर आप लोगों ने इसको चेक कर लिया है, आपको मूवी कैसी लगी नीचे अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा और आपको वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।